अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस पी एस टंगवारा ए बी आमिर हुसैन किरवानी। सब्जेक्ट ई बी एस, टॉपिक पढ़ान फ्रॉम द विंडो। आज पढ़ो अमु बाकी हिस्स मजम सवाल रूद अमन त्रा बो प्यारे बच्चों एल एम एस पे डॉक्यूमेंट तु वो हम तुम थो कापी बन। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? Later, I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly, the sound of moving train changed. Khud khud khud. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen on the banks. I waved at them, but I did not know if they could see me. Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. Sometimes people cross the track even when the crossing is closed. जो ये लोग हैं, पीपल हैं, लोग हैं, वो क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं। जब ये क्रॉसिंग क्लोज होती है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तो आप इस बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? ये वो ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जो लोग ट्रैकिंग का क्लोज होते ही भी ट्रैक पर को क्रॉस कर रहे हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज्ड। बाद में मैं बैठी थी विंडो के नजदीक और मेरी आंखें बंद थी। Suddenly the sound of the moving train changed khud khud khud. तो अचानक moving train उसने अपनी जो साउंड है चेंज की है, खुड़ 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 में तब्दील हो गई वो उसकी साउंड। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली। Guess what I saw? अंदाजा लगाओ कि मैंने क्या देखा होगा। Our train was crossing a very big river. तो मैंने जो देखा है, जो हमारी वो ट्रेन थी, वो एक बड़े दरिया को क्रॉस कर रही थी। ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज, एक बहुत बड़े पुल के ऊपर वो गुजर रही थी।
एक बड़े पुल के ऊपर वो गुजर रही थी. एज इट वॉज क्रैशिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. जो ही उसने क्रॉस किया वो ब्रिज, तो उसकी साउंड मुख्तलिफ होती जा रही थी, उसकी साउंड डिफरेंट निकलती जा रही थी. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड. उसके व्हील्स ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे कुछ ग्राउंड भी नहीं है. ऑनली द ट्रैक, सिर्फ ट्रैकों के ऊपर से गुजर रही है वो. एंड द वाटर डाउन बिलो, और नीचे सिर्फ पानी है. व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब मैंने पहली बार नीचे की तरफ देखा, आई फेल्ट गिडी, तो मुझे गिडी महसूस हुआ. आई वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, तो मैं बिल्कुल क्वाइट स्कैरी था. द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, तो जो रिवर था उसमें पानी भरा हुआ था, तो उसमें कुछ बोट्स भी थी. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स, तो दरिया के किनारे मैंने कुछ फिशरमैन जो महागीर थे उनको मैंने देखा था. आई वेवड एट देम, तो मैंने उनके ऊपर वेव किया. बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, तो मैं ये नहीं जानती कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं देखा. अलॉन्ग साइड, दूसरे साइड आवर ब्रिज, हमारे ब्रिज के दूसरे साइड देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, तो वहां एक दूसरा पुल था किन के लिए, बसों के लिए और कारों के लिए. दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स, जो दूसरा ब्रिज था वो मुख्तलिफ बनाया गया था हमारे ब्रिज से. आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, जो ये हमारा ब्रिज था मुझे लगा, मैंने सोचा कि वो ज्यादा एडवेंचरस था उस ब्रिज से जिस पे बसेस और कारें चलती थी. प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही. तो मुझे उम्मीद है जो भी हम पढ़ाते हैं आप घर में किताबें निकालते होंगे, पढ़ते होंगे, तो और कॉपियां बनाते होंगे, होमवर्क करते होंगे. बस शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.